हरे कृष्णा, स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में और जिसका नाम है माया की मार। देखिए माया की मार के इस सीरीज में हमने 11 एपिसोड देखा और हर एक में हमने ये देखा कि माया कैसे मारती है, कैसे ठगती है, कैसे हमें दंड देती है ताकि इंसान जो है ये माया की चक्र से निकल के भगवान की तरफ मुड़े और भगवान की भक्ति करे और भगवान की तरफ अपना रुख करे। तो क्या होता है कि इंसान जब इस धरती पर आता है ना, वो इस धरती की चकाचौंध में खो जाता है और ये जो भौतिक सुख है, ये भौतिक जगत का, इसमें वो अपना आत्मा और जो भगवान का अंश है इस चीज को भूल जाता है और भगवान को भूल के अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। तो इससे कैसे बच पाए? देखिए ना, मुनि, ऋषि, राजा, हाँ प्रजा, कोई भी नहीं बचा है इससे। तो इससे बचने का उपाय जो है ना, शास्त्र में ही है और शास्त्र में जितने उदाहरण थे हमने सब उदाहरण आपको दिया। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आगे हम देखते हैं कि माया की मार से बचने का क्या उपाय है। तो इससे बचने का बहुत सारे उपाय है, लेकिन उसमें से जो सरल और सुलभ उपाय है वो हम आपको चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, एक पहला उपाय है, गुरु की शरणागति और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति और तीसरा शास्त्रों का आश्रय और चौथा साधु संग और पांचवा जो है भगवान की नाम जप। देखिए ये पांचों की पांचों उपाय जो है ना, आपको माया की मार से बचाती है। तो पहला क्या है? गुरु की शरणागति। देखिए गुरु की शरणागति जो है, इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं कि गुरु कौन है, कैसे मिलेगा हमें गुरु और कैसे हम गुरु को पाएंगे तो हम उनकी शरणागति करेंगे और माया की मार से बच पाएंगे। देखिए जो ये भौतिक जीवन है इसमें तो सिर्फ पशुवत लोग रहते हैं, अपनी इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं कि हाँ आँख को ये अच्छा लग रहा है, नाक को ये अच्छा लग रहा है, खाने को ये अच्छा लग रहा है, सुनने को ये अच्छा लग रहा है, जो मन करे वो करते हैं और इसी से मिलता है माया की मार। क्योंकि माया फिर देखती है कि ये तो भगवान को भूल ही गया है, इसको फिर कुछ करेंगे तभी ये भगवान की तरफ मुड़ेगा, तो फिर माया की मार पड़ती है। तो अब हम सोचेंगे कि हमें गुरु कैसे मिले। देखिए गुरु भी ऐसे कोई भी किसी को भी उठा के अपने गुरु बना लिया तो भी नहीं चलेगा। गुरु भी प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। गुरु वो होना चाहिए जो भगवान से रात प्यार करते हो, भगवान को मानते हो, भगवान की रास्ते में चलते हो, जो शास्त्र के नियमों के हिसाब से चलते हो और जो अपने आप को भगवान तक, मतलब जो जीव को भगवान तक ले जाने के लिए एक माध्यम समझते हो। ये नहीं कि मैं ही भगवान समझ ले, ऐसे लोग जो है ना वो मतलब गुरु नहीं माना जाते हैं, प्रामाणिक गुरु नहीं माना जाते हैं। देखिए गुरु को हम भगवान का ही रूप मानते हैं, जरूर मानना चाहिए क्योंकि वो हमें भगवान से मिलाते हैं और ऊपर से अवतरित होके, मतलब बहुत ही ऊंचाई वाले स्थान से उतर के वो आते हैं हमें हाथ पकड़ के भगवान तक ले जाने के लिए। लेकिन जब वो अपने आप को भगवान बोलने लगे तो उसके अंदर फिर अहम आने लग जाता है। तो इसीलिए अपने आप को भगवान जो कहते हैं वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। दूसरी चीज, जो भगवान को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान को शुद्ध भक्ति करते हैं, वही गुरु आपको भी भगवान के बारे में प्रेम से बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। और जो खुद जानता है वही तो बताएगा अच्छे से, तो अच्छे से आपको बता भी सकते हैं, आपको रास्ता दिखा के हाथ पकड़ के भगवान की तरफ ले जा सकते हैं। तो ऐसे गुरु को प्रामाणिक गुरु कहा जाता है जो भगवान की तरफ लीन हो बिल्कुल, और ये जो है अपने आडंबर में ना रहे और अपनी बड़ाई ना दिखाए। इस तरह के गुरु जो होते हैं वो हमें सच्ची में ले जाते हैं भगवान की तरफ। लेकिन ऐसे गुरु पाने के लिए भी हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और आप जानते हैं कि गुरु भी मिलते हैं पात्रता के हिसाब से,
अगर आपकी पात्रता अच्छी है तो आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, और आपकी पात्रता ही सही नहीं है और आप गुरु 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 जितना भी हल्ला कर लो, खुद के अंदर शुद्धता अगर नहीं है तो आपको शुद्ध गुरु मिलना मुश्किल है। आपको वही गुरु मिलेंगे जो दिखावा और जो अपने आप को ही भगवान बोलेंगे, अपना ही सारे जो लोगों से अपनी सेवा करवाएंगे इस तरह के, देखिए। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु है उनकी कैसी उनके देखिए जो प्रामाणिक गुरु है वो मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, पूर्णतया अपने आप को गुरु की शरणागति करना चाहिए। तो जो प्रामाणिक गुरु है वो हमारे शास्त्रों का निष्कर्ष अच्छे से जानते हैं और जो प्रक्रिया है भगवान तक ले जाने का वो भी हमें अच्छे से दिखाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पहली बार जो है एक प्रामाणिक गुरु उनकी शरणागति होना चाहिए, दूसरा उनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित होने पर कैसे भगवान की भक्ति और पूजा करा जाए उनसे सलाह लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, और तीसरा श्रद्धा और भक्ति से गुरु की सेवा और उनकी आदेशों का पालन करना चाहिए। तो गुरु की निर्देश अनुसार हमारे महान आचार्यों के पद चिन्ह पर आगे बढ़ना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए भगवान की भक्ति की तरफ। देखिए जब गुरु की मार्गदर्शन रहेगा और प्रेम और श्रद्धा से आप भक्ति करोगे तो आप भगवान की तरफ मुड़ जाओगे, और भगवान जो है जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो माया का मार से आप बच सकते हैं। तो इसीलिए ये हुआ शरणागति गुरु की, और आगे हम सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति कैसे लिया जाए। हरे कृष्णा, आते रहेंगे आप हमारे आगे की एपिसोड्स जिसमें हम बताएंगे माया की मार से कैसे बचा जाए। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।